So guys, hello everyone, it's part 2 that Vanshika cracked the interview of SpiceJet Airlines as a cabin crew. So today we'll be discussing about the basic questions and answers and her real life story, that how she went beyond the limit and she cracked it. Okay Vanshika, ये बताओ, lot of you guys want to crack SpiceJet Airlines country, you know the procedure ना, कि procedure में क्या होता है, ये क्या होता है. So this interview, this video will be absolutely based on all the procedure explained by the student, those who have cracked it. Second will be discussing each and every crux की first round क्या हुआ, second round क्या हुआ, third round क्या हुआ, fourth round क्या हुआ, what was the review, final review, this review, that review, and finally she got a full offer letter. तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में. वंशिका has cracked SpiceJet Airlines interview, so she know ना कि how to deal with each and everything because it's her real life experience. जो चीज आप करने को सोच रहे हो वो हमारे स्टूडेंट करके बैठे हैं, right? Okay वंशिका, तो ये बताओ कि why you thought to go for SpiceJet, ये बताओ यार. सर आई थॉट कि स्पाइसजेट बेटर रहेगा क्योंकि मैंने अभी अपना 12th खत्म करा है, तो ऑब्वियसली मुझे ग्रेजुएशन भी चाहिए कि मुझे कहीं से अच्छी सी ग्रेजुएशन मिल जाए. तो वही डीयू में फिर उतना फायदा नहीं होता क्योंकि बीए की डिग्री तो हर बंदा ले लेता है, उसका मतलब मुझे इतना कोई फायदा नहीं दिखता है बीए की डिग्री का. तो मैंने जब देखा कि स्पाइसजेट ज्यादा पैसे भी नहीं ले रहा है, बट ठीक है वो आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है उससे आपको बीबीए की डिग्री भी दे रहा है, साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ वो आपको गारंटी दे रहा है कि गारंटीड जॉब है 100% की. उस इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप क्रू बनोगे ही बनोगे, उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी दे रहा है इनफ्लाइट मैनेजमेंट का. तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बेटर रहेगा स्पाइसजेट क्योंकि डिग्री भी है और थोड़ा जॉब है वो यार. तो कहीं ना कहीं वो अमेजिंग चीज है कि यार जॉब वो यार, तो उनका सिस्टम ही ऐसा है ना कि they will hire you, they will educate you, they will give you some time to do the courses and they will give you a job. So guys, those who want a guaranteed job, now you can go for SpiceJet ka crew. Yeah, they charge certain amount of money, but yaar wo to why they will not charge yaar, they are giving you time, they are giving you accommodation, they kya kya nahi de rahe yaar. To wo charge jo kar rahe hain, that's nominal charge which I personally think jo aapko at the end you are also getting guaranteed placed, right? $40,000. I think it's more than enough, right, for a fresher student. Okay, Vanshika, ये बताइए कि what was the first round of पहले दिन क्या हुआ? I will suggest request Vanshika कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताना जैसे जो नॉर्मल लोग भी समझ पाएं कैसे हुआ क्या हुआ. तो ये बताइए कि आप पहले दिन गए, अकेले गए कि फैमिली वाले के साथ गए, बताइए, बताओ मेरे को कैसे हुआ, क्या क्या हुआ ये बताइए. सो टाइमिंग 8 o'clock का था. मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी क्योंकि मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता, तो ऑब्वियसली मैंने अभी 12th करा तो मम्मा कहती कि इतना ज़्यादा दूर नहीं अकेले भेजेंगे. तो जब हम गए तो फिर तब 8 भी नहीं बजे थे, हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे एक्साइटमेंट में. तो 1 घंटा कम से कम हमें बैठना पड़ा क्योंकि 9 बजे के बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है. तो मेरा नंबर फर्स्ट था वहाँ पर, मतलब मेरे को फर्स्ट मिला कि मेरा इंटरव्यू सबसे पहले होगा. फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे बच्चे आने शुरू हुए, लेकिन वहाँ मैंने चीज़ नोटिस करी कि ज़्यादातर वहाँ बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स थोड़ी कम थी लेकिन बॉयज़ ज़्यादा थे क्योंकि काफ़ी कम एयरलाइन जो बॉयज़ को लेती हैं. तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो आए हुए थे, काफ़ी लड़के थे मेनली. तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इंडिगो दे देती है, कोई ना कोई देता है, लड़कों को नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी. दैट्स रीजन लोग सोचते हैं कि प्रूव बनना ही, तो एक काम करने के रास्ता पकड़ लेते हैं. अगर चार्जिंग ₹2 लाख तो कई दोस्त और वो अर्निंग करते हैं, उनके ₹2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, सो वो लेट अरेंज कर लेते हैं. तो ये चक्कर है कहीं ना कहीं कि वहाँ पे बॉयज इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को तो अपना प्लेटफॉर्म मिल चुका है इंडिगो के थ्रू, जैसे ये मुझे ऐसा लगता है, राइट? बहुत सारे एयरलाइंस के थ्रू अभी एतिहाद हायरिंग कर रहा है, राइट? अगेन उसमें फीमेल ज्यादा, आई डोंट नो जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसलिए वहाँ पे मिल जाता है. ओके बताओ वंशिका, लड़के ज्यादा आ गए फिर तुमने क्या सोचा? तो मैंने देखा कि ज्यादातर बॉयज आ रहे हैं, मैं वेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं 1-2 गर्ल आ जाए, कम से कम मेरे को थोड़ा कंपनी मिल जाए. फिर वहाँ एक लड़की आई तो मैंने उससे पूछा कि आप भी क्रू का इंटरव्यू देने आया? तो उसने बोला यस, मैं 18 टाइम्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ इंटरव्यू एंड इट्स माई 19th अटेम्प्ट. तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, मैंने बोला है मेरे को भी मतलब इतना टाइम लगेगा, तो मेरे को थोड़ा सा तो ऐसा हुआ. बट उसके बाद उन्होंने फिर जैसे 9-9:15 बजे तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर आ जाओ क्योंकि सेकंड फ्लोर पे होता है इंटरव्यू. तो पहले एक क्लासरूम में बैठा दिया हमें और बोला कि अगर आपका जीडी राउंड होगा, फर्स्ट राउंड जीडी राउंड होगा. वैसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि वहां पे रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आएगा, तो उसका क्या सीन है? क्या वो कुछ डीडी भरनी की क्या है कि वहां पे जाके बोलेंगे कैसे होगा, वो बताओ आप. सर वो जब आप जीडी राउंड वाले रूम में ही जब जाके बैठोगे तो वो पहले जीडी राउंड लेने से पहले आपसे पूछेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है या भी करना है। तो जो जैसे दिखाते रहोगे कि जिसने रजिस्ट्रेशन करा उसको आपको 2000 रुपीज़ देने हैं फॉर द इंटरव्यू, एंड जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा है उसका वो तभी ले लेंगे, और जिसने नहीं दिया उससे फिर बोलेंगे कि कैश कर लो वरना अभी के अभी रजिस्टर करो, लेकिन पैसे लेंगे 2000 रुपये जो कि इंटरव्यू के लिए। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन द फर्स्ट राउंड विल बी स्टार्टेड। पहले वो आपका सीवी कलेक्ट कर लेते हैं, अपने अपने पास सबके सीवी ले लेते हैं, फिर 6 to 7 पीपल को से सर्कल में बिठाकर देन वो एक ही सिंगल टॉपिक देते हैं। और आप जब बोल रहे हो ना तो आप कोशिश करना कि माइक थोड़ा सा हटा के बोलो, हाथ को आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। ओके पर्सन लाउड बोलना वंशिका है ना। ओके वंशिका बताओ कि हां कैसे हुआ उनका जीडी राउंड में कैसा हुआ। हाँ जी तो सर हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना, मुझे लगा ना कि वो माइक में हाथ आगे करके बोलो। तो सर पहले उन्होंने बोला फर्स्ट राउंड जीडी राउंड स्टार्ट हुआ जिसमें कि उन मैम ने एक टॉपिक बोला जिस पे सबको बोलना था, और वो वाला टॉपिक वही था जो आपने क्रैश कोर्स में मुझे सिखाया था, जो कि मैं लर्न भी करके गई थी। तो फिर हमें 1 मिनट और जब तक मैम स्टॉप ना बोले तब तक उस टॉपिक पर बोलना था। तो सबसे पहले मेरी बारी आई और मुझे वो टॉपिक आता था तो ऑब्वियसली मैंने बोलना शुरू कर दिया, एंड देन मैम बोलती ओके स्टॉप, फिर सेकेंड की बारी, थर्ड की बारी, ऐसे ऐसे करके मैम ने सबका लिया। और वहीं पर उन्होंने सबके हैंड पे टैटूज वगैरह वो सब भी वहीं पे चेक कर लिए थे, किसी के अगर मुंह पे स्कार था तो भी उन्होंने वहीं पे देख लिया था। उन्होंने पहले पूछा कि डू यू हैव एनी स्कार, तो मैंने सिंपली बोला नो आई डोंट हैव एनी स्कार। तो उन्हें मेरा ये छोटा सा यहाँ जो थोड़ा सा स्कार है वो उन्हें दिखा, तो उन्होंने उसी वक्त पॉइंट बोला कि आई कैन सी अ स्कार। या कई बॉयज़ के यहाँ पर जैसे गाल पे कुछ एलर्जी टाइप की हो जाती है काफ़ी बॉयज़ के, सिर्फ डॉट डॉट करके कुछ, तो वो भी उन्होंने उसी वक्त बोला कि ये किस वजह से है, एक्सीडेंटल मार्क्स हैं या कुछ ऐसा है, तो वो उन्होंने उसी वक्त पूछे। और जिसके मतलब एक लड़के के इधर कुछ टैटू था तो उसको वहीं से बाहर कर दिया कि सॉरी आप आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि अगर आपका टैटू है तो इट्स नॉट अलाउड। तो जैसे जी डी राउंड हुआ मेरा क्लियर हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने भेजा सेकंड राउंड पे। अच्छा ये बताओ कि यार अंदर से खुशी हुई कि नहीं हुई कि जो पढ़ के गए थे यार वही आ गया। सर मुझे सबसे ज्यादा ना जीडी राउंड का ही डर था, क्योंकि मैं एकदम से ना ऐसे टॉपिक के ऊपर नहीं बोल पाती हूँ। मुझे मैंने आपको भी बोला था कि मुझे जीडी राउंड का ही डर है कि टॉपिक कोई ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर मैं बोल सकूँ। टॉपिक मुझे सही मिला तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ जब पहला तो राउंड क्लियर हो गया एटलीस्ट मेरा। मैं बता रहा हूं ना गर्ल्स के लिए बैरिकेड या कोई भी हो यार, बैरिकेड तो पहला राउंड ही रहेगा जीडी वाला, उसमें अगर एक बार निकल जाते हो तो हाँ सेकंड राउंड में क्या चीजें आसान हो जाती है, बट अगर फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए तो मजा नहीं आता ना। ओके वंशिका ये बताओ कि आपके साथ कितने लोग पास हुए कितने लोग फेल हुए। सर वी वर 6 एंड 4 वर पास्ड बट 2 वर फेल्ड। एक ने तो कुछ भी नहीं बोला था, मतलब बहुत कम बोला था क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा ही वीक थी तो उनको इसलिए बाहर कर दिया था, और एक के टैटू था इसलिए उसे आउट कर दिया था। बाकी 4 ही बचे थे तो 4 को उन्होंने सेकेंड राउंड के लिए वेट करने को बोला, तो 10-15 मिनट्स बाद बोला कि आप दूसरे वाले रूम में चले जाओ जो कि उसमें आपका बीएमआई राउंड होगा। तो बीएमआई राउंड में भी सबसे पहले मेरा ही था, तो उन्होंने सबसे पहले हाइट चेक करी, वो इंस्ट्रूमेंट जो बनता होता है तो हाइट चेक करके देन वेट चेक करा, वो साथ साथ लिखते जा रहे थे कि किसका बीएमआई ठीक है और किसका ज़्यादा है। मेरा बिल्कुल पॉइंट पे बीएमआई था, मतलब 22 होना चाहिए, मेरा 21.9 ही आया था। तो उन्होंने बोला कि अभी तो ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा गेन मत करना वेट को। तो जब उन्होंने बोला कि 21.9 बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वो कर ही लेते हैं इतना। विदाउट शूज भी उतरवाते हैं, हाँ उतरवा देते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे, मतलब एक बॉय ने क्या किया था अपनी हाइट लंबी दिखाने के लिए उसे थोड़ा एंकल को ऐसे ऊपर कर लिया था, तो उसको भी उन्होंने उसी वक्त टोक दिया था कि आप स्ट्रेट खड़े हो, हमें आपको मतलब प्रॉपर देखना है। तो क्योंकि उसका थोड़ा वेट था मैं बिल्कुल खड़ी हुई थी उसमें। तुम्हें जरूरत ही क्या है, योर हाइट इज आल्सो गुड यार। तो जिनके कम है वो लोग ये सब चीजें सोचते हैं यार कि यार थोड़ा सा उठा ले या थोड़ा सा वो बढ़ जाए हाइट, ये बढ़ जाए। हाँ लिटरली बता रहा हूं, ये कोचिंग चालू करने से पहले मुझे पता तक नहीं था कि हाइट कितनी देखते हैं, क्योंकि मेरी हाइट थी 6'2". मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार हाइट कम होगी तो ये होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं मैंने उसके बारे में, क्योंकि मैं हर बार फिट बैठता था उनके क्राइटेरिया में, हाइट और वेट के हिसाब से फिट बैठता था। मेरी हाइट 6'2" थी। ओके वंशिका ये बताओ कि यार ओके बीएमआई चेक हो गया, हाइट वेट सब चेक हो गया, उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद उन्होंने बिठाया 10-15 मिनट्स के लिए, बोला कि अभी आएगा कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। देन 10-15 मिनट से ज़्यादा ही लग गया था क्योंकि सबका वो पहले कर रहे थे। देन उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम लिया क्योंकि मेरा आगे था, फर्स्ट था, तो उन्होंने बोला दैट यू आर सेलेक्टेड, नाउ यू हैव टू गो फॉर द थर्ड राउंड, जिसमें कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है एक सर के साथ इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यू कैन नॉट यूज़ हिंदी। तो वो वाले जो सर थे वो स्पाइसजेट के असिस्टेंट मैनेजर हैं और उन्होंने क्वेश्चंस, मैंने वैसे तो गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छे सर थे वो, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, काइंड थे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने काफ़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन करी कि जैसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, जो कि वो पूछते हैं इस राउंड के बाद, ये इंट्रोडक्शन वाला शुरू हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक ही सर बैठे हुए थे और उन्होंने आके बोला कि आप बैठ जाओ। तो जब मैं बैठी तो उसके बाद उन्होंने पहले तो बोला कि आप थोड़ा कूल वगैरह हो जाओ, देन विल आस्क क्वेश्चन। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे कि सर ने एक्चुअली पहले विश करा था कि वो ऑलरेडी बैठे हुए थे, मतलब इससे पहले मैं करती हूँ उन्होंने पहले ही कर दिया था। The first question was tell me something about yourself. आपने पूरा बता दिया होगा जो आपने पढ़ा लिखा होगा। वो मुझे याद था, मैंने बिल्कुल रटाया वहाँ पर, बोल दिया कि ऐसा। देन उन सर ने मेरा सीवी उठा लिया और जो सीवी के बिल्कुल एंड में जो वो इंग्लिश में मैंने लिखा था कि आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम पेशेंट, हमने लिखा था स्ट्रेंथ, हम जो लिख के भेजा था हां वो, उसके ऊपर उन्होंने वो वाला पॉइंट पकड़ लिया और ही सेड दैट हाउ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जस्टिफाई, तो कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो या आपने किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ऐसे कर बोलने लगे। तो मैंने कैसे डील किया ना, ये तो कुछ नया हो गया ना सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी इस वक्त। तो मैंने उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मतलब ये वो क्वेश्चन बोलती हूँ, उन्होंने बोला कि वंशिका ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपनी किसी फ्रेंड को या किसी को किसी चीज़ से हेल्प आउट करा हो जो आपने लिखा है अपनी सीवी में? तो मैंने बोला कि यस सर, मेरी एक फ्रेंड है उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो मैंने उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी। तो वो थोड़ा सा हैप्पी हो गए कि ठीक है अच्छा काम करा वगैरह वगैरह कर। बाकी फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा पूछा कि आपने अपने लॉकडाउन में क्या करा, टू जो भी 1.5 ईयर का लॉकडाउन लगा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कुकिंग सीखी, तो उन्होंने बोला कि कुकिंग में भी क्या सीखा और उसकी रेसिपी बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछा। तो मैंने पूरी रेसिपी बताई। फिर उन्होंने बोला कि आप वो जैसे मैंने बोला था कि मैंने पिज़्ज़ा सैंडविच सीखा, तो उन्होंने बोला कि वो जो पिज़्ज़ा सैंडविच है वो आपके परिवार में किसको पसंद आया? तो मैंने बोला मेरी मम्मा को काफ़ी अच्छा लगा। तो वो फिर उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करा कि आपको कैसे पता कि आपकी मदर को अच्छा लगा? तो मतलब आप जो भी बोलोगे वो उसके अगेंस्ट में बोलेंगे कि अच्छा आपको कैसे पता है, ऐसे करते हैं। मैं बोलूं कि इफ यू गाइस गिव आंसर ना, तो आने वाले 2 क्रॉस क्वेश्चनिंग रेडी रहना मन में कि यार इसका ये क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ये तो हो सकता है कि चीजें बिल्कुल सेटल हो जाए, क्योंकि अगर कुछ बोलो उससे पहले कि 2 क्रॉस क्वेश्चनिंग रेडी रखना उसकी सर। तो इसीलिए मतलब जहाँ मैं बस अपने मन में तब भी यही सोचती थी कि मैं चुप नहीं होना है, मुझे बस उसे बोलते रहना है जो भी मेरे मन में, मैं एटलीस्ट आंसर करना, क्योंकि जहाँ मैं चुप हो जाऊंगी वहाँ मैं झूठी लगूंगी कि मैंने झूठ बोला है। तो मैं कैसे ना कैसे करके आंसर्स देती रहेगी, सर मैंने पिज्ज़ा सन मेरी मम्मी को इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, ऐसे ऐसे करके मैं आंसर्स। Okay, we train people here, अगर थोड़ा सा ये पूछेगा तो उसमें ये बोल सकते हो या यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल देना स्मार्टली, राइट? ओके वंशिका, उसके बाद उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? देन उन्होंने बहुत ही सिंपली अच्छा था, मतलब स्माइल वगैरह कर बोला कि अब आप बैठ जाओ, अब आपको 4th राउंड के लिए बुलाएंगे। दैट वाज अ PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उन्होंने उसी वक्त बोल दिया था कि ये वाला राउंड आपका अच्छा है, मतलब समझ आ गया था कि उन्होंने सीधा ही बोला कि अब आपको फोर्थ राउंड के लिए बुलाएंगे, तो आप वेटिंग एरिया में वेट करो। तो वहाँ पर मैंने कम से कम 20 से 30 मिनट्स वेट करा एटलीस्ट। तो देन इस वाले सर बुलाने आए और उन्होंने बोला कि कम वंशिका। देन वो एक रूम में लेके गए जो कि कैबिन था एक्चुअली। तो जैसे वो कैबिन का गेट खुला तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 HR बैठे हुए थे जिसमें 2 फीमेल्स थी और 1 मेल थे। तो उन्होंने आते ही बोला प्लीज सेट। तो मैंने तीनों को गुड मॉर्निंग विश करा, मैंने ही सामने से विश करा, देन उन्होंने विश करा। देन जैसे ही बैठी तो उन्होंने, उनके पास ऑलरेडी सीवी पहुंच ही जाते हैं पहले के पहले, वो उसके बाद हमें सीवी नहीं देते जो वो फर्स्ट में ले लेते हैं। तो उन्होंने सीवी देख के बोला कि हमने सीवी तो पढ़ लिया, अब आप सीवी से कुछ डिफरेंट बताओ अपने बारे में कि जो आपने सीवी में नहीं लिखा है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सीवी से कुछ डिफरेंट बताओ। तो फिर सीवी से मैंने डिफरेंट अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर बोला कि मैंने 90 वही मैंने बोला, मतलब मेरे पॉजिटिव पॉइंट बोला जिससे उनको लगे कि हाँ अच्छा, मतलब अच्छी एकेडमिक्स है। तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरे 91% आए 12th में, तो झट से जो मैम बैठी थी उन्होंने से पूछा कि अगर आपके 91% आए हैं तो आप IAS IPS में क्यों नहीं जाना चाहते हो, आप इधर क्यों आना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैम बचपन से जो भी क्वेश्चन थे मैंने उसे बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, जो आपने मुझे सिखाए थे कि ऐसे आंसर देना है, ये आंसर देना है, मैं वो आंसर देती थी, वो फाइंड करके ही पता चले। और क्वेश्चन क्या पूछे वंशिका? ओके गाइस है ना, तो इतना क्वेश्चन आई गेस काफी रहेगा है ना। इफ यू वांट टू नो मच मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू कैन जॉइन द क्रैश कोर्स एंड यू कैन क्रैक द एलएस इंटरव्यू ग्राउंड शॉट फॉर द ग्रुप। ओके वंशिका परफेक्ट है, मजा आ गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इट माइट हैव टेकन 1 or 2 अटेम्प्ट आई गेस है ना। प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट हियर बिकॉज़ 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ उसके दिमागों के साथ इस तरह का एडजस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं हमने कोर्स में क्या किया है, हमारे दिमाग को एडजस्ट किया हमने, राइट, कि यार ये पूछेंगे तो ऐसे बताना है। और कहीं ना कहीं 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। सो यू ग्रैस्प यू कोप अप एवरीथिंग इन वेरी वेल माइंड पे, तो सॉर्टेड है चीज, राइट। ये वंशिका, ओके वंशिका जब इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने क्या पूछा ये बताइए। सर एक्चुअली का इंटरव्यू बता सकते हो, तुम्हें काट क्वेश्चन और होगा तो। नहीं, मेरा इंटरव्यू खत्म हो ही रहा था, इससे पहले उनको मेरा जो फेस पे व्हाइट कलर का पैच है वो दिख गया। उनको वो व्हाइट पैच दिख गया कि वंशिका के फेस पे एक व्हाइट पैच है। उन्होंने इंटरव्यू वहीं पे छोड़ दिया, मतलब क्वेश्चंस खत्म हो गए ऑलमोस्ट, चलते क्वेश्चंस खत्म हो गए। उसके बाद उन्होंने वो व्हाइट पैच को पकड़ के बोला कि ये किसके वजह से हुआ आपके फेस पर। तो मैंने जैसे बोला कि सनबर्न है वगैरह वगैरह। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी वो बहुत देर तक देखते गए उसको। तो उन्होंने बोला कि आपने डॉक्टर को दिखाया, तो मैं सच में डॉक्टर को दिखाया था, तो मैंने उनको अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाई, उसी वक्त दिखाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर लो। तो इतने में वेट एक मैम आई और वो मुझे दूसरे रूम में ले गई और उन्होंने मुझे बोला कि वंशिका देखो आप इंटरव्यू की तरफ से तो सेलेक्टेड हो, लेकिन आपके फेस पे जो वाइट पैच है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो क्रू के लिए यू हैव टू हैव अ क्लियर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए आपका, और जो कि मेरा वो पैच मेकअप के बाद भी दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे डॉक्टर से दवाई लो, देन हम आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। उन्होंने 1-2 सर का नंबर दे दिया कि आप इनसे कोऑर्डिनेट करते रहना या टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हमें सेंड करनी है। तो ना उसी दिन अच्छा सा अच्छा डॉक्टर लेके फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया उसी के बाद कि आप बस वो कर लो, देन यू हैव टू सेंड द प्रिस्क्रिप्शन। तो मैंने बोला ओके। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मना ही हो गया मेरा, मतलब कैंसिल ही हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था। देन मैं घर आई, मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करा और उनसे पूछा कि किस वजह से है। तो उन्होंने बोला था कि आप ये लिख के ले आओ कि ये बढ़ेगा नहीं, ये कम ही होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वाइट पैच है कहीं पूरे फेस पे ना आ जाए या बॉडी पे ना आ जाए। तो वो डॉक्टर से मैंने लेटर हेड पे लिखवा लिया कि इंक्रीज नहीं होगा और ऐसे ऐसे कर कर, तो डॉक्टर ने वो चीज़ लिख दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको महीने बाद रिव्यू के लिए बुलाएंगे जिसमें आपको फेस फिर से देखेंगे और तब आपको बताएंगे। देन फर्स्ट टाइम रिव्यू के लिए बताया तो वो 30% कम हो चुका था पहले से, अब तो 100% ही कम हो गया। तो पहले वो 30% कम हो चुका था, तो जब मैंने उन्हें दिखाया तो उसके बाद ना उनकी स्ट्रिक्टनेस तो ज्यादा ही बढ़ती गई। जो बात अगर वाइट पैच पे थी तो अब वो एक्ने से भी आ गई, क्योंकि वो ग्रूमिंग के हाथ में चली गई। तो ग्रूमिंग वाली एक एक चीज नोट करने लगी कि फेशियल हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं, सब कुछ नोट करने लगे वो लोग, क्योंकि वो पहले नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे मैंने फिर एक और बार उन्होंने बोला, मतलब एक बार ही तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो उन्होंने सर, हाँ वो जो टीचर हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब हाई क्लास की टीचर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत ही हाई क्लास की है। जो मेरे को देख रही थी वो तो कुछ ज्यादा ही हाई क्लास की है, तो मेरे को ऐसा लग चुका था मैं तो फंस गई हूँ अब। उनको जब मैं देख रही थी, मैंने ऐसी गर्ल्स कभी नहीं देखी थी पर्सनली अपनी लाइफ में, इतना प्यार, इतना मेकअप, इतना क्लियर स्किन मैंने कभी भी नहीं देखी थी। तो मैं समझ गई थी कि मुझे इनकी तरह क्लियर करना है। तो देन उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जब मैं गई उन्होंने मुझे देख के बोला, नो आई कैन सी करेक्ट, आई कैन सी सम एक्नेस, नो 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 इट्स नॉट पॉसिबल कर। विद इन 1 मिनट ही उन्होंने वापस भेज दिया, जो कि मैं इतना ट्रैवल करके गई, उन्होंने वापस भेज दिया मुझे। फिर बोलते हैं कि आपके पास 15 डेज बाद कॉल आएगा, लेकिन इस बार वीडियो कॉल पे रिव्यू होगा। वीडियो कॉल पे रिव्यू हुआ तो उनको फिर एक एक्ने दिख गया, यहाँ पर हेड पर एक एक्ने दिख गया। तो वो उसने टोका कि कोई नहीं, अब आप 15 डे बाद दोबारा आना, सामने आना इस बारी। तो सेकंड टाइम रिव्यू के लिए बुलाया। सेकंड टाइम मैं जब रिव्यू के लिए गई, पिछले महीने 14 को मैं गई थी, 14 सितंबर को रिव्यू के लिए गई, तो उनको मेरा फेस काफी ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट लगी, काफी इम्प्रूवमेंट लगी। तो वो कहते कि येस द फेस हैज इम्प्रूव्ड, बट उसको ना लग रहा था कि मेरे फेस पे व्हाइट हेड काफी ज्यादा है। तो उन्होंने बोला, देखो वंशिका, हमें आपकी स्किन तो पसंद है, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो हमारा डॉक्टर है, और आप, मैं आपको एक थेरेपी बता रही हूँ, वो थेरेपी करवाओ फेस पर। तो उन्होंने मुझे वहीं का एक डॉक्टर है, स्किन एंड स्माइल करके, गुड़गांव में ही है, तो उसका एड्रेस दिया और बोला कि आप इससे आज ही कंसल्ट करो और हमें प्रिस्क्रिप्शन भेज दो, तो हम आपका नाम ऐड कर देंगे उसमें बैच में, जो कि उन्होंने ऐड नहीं किया था। तो मैं उस डॉक्टर के पास गई तो बेला मैम जो है उन्होंने ऑलरेडी कॉल कर बोल दिया था कि, क्योंकि वो जो टीचर है वो शायद डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, तो उसने पहले ही बता दिया था कि इसके फेस पे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि थेरेपी होगी पूरी, उसमें आपको इंजेक्शंस के थ्रू आपकी पूरी जो एक्नेस है उनको बाहर निकाला जाएगा, ब्लड वगैरह आएगा और उसका पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। मैंने पूरी थेरेपी करवा दी इंजेक्शन से और उनको फोटोज वगैरह भी भेज दी कि लो मैंने करवा दी, प्रिस्क्रिप्शन भी भेज दी। तो अब 15 दिन उन्होंने बोला कि 15 डेज बाद ही आपको आना पड़ता है, 15 डेज का टाइम आपको रुकना पड़ेगा। जो वो थेरेपी कराने के बाद सनलाइट से दूर रहने के लिए, सब बहुत चीज़ों के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने। वो सब मैंने फॉलो करी, सारी मेडिसिन फॉलो करी, जो भी उसने मेडिसिन दी मैंने सब कुछ अप्लाई करा। तो देन मुझे भी ऐसा लगा कि फेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, मतलब अगर पहले 100% खराब था तो 10% पे आ गया था, 5% पे आ गया था। देन उन्होंने मुझे 4 अक्टूबर को बुलाया दोबारा रिव्यू के लिए। तो जब मैं रिव्यू के लिए गई तो उनको मैं पूरा मेकअप करके गई थी ताकि उनको एक भी मेरा पिम्पल शो ना हो जाए। मैं इतना मेकअप करके गई थी और वो सब खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने जब फेस को देखा उन्होंने बोला कि सही अच्छा फेस है, लेकिन वंशिका हम आपका फेस ना बिना मेकअप के देखना चाहते हैं। ओ मेरी भाई पे सांसें अटक गई। मैंने बोला ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब फिर मुझे लगा कि ठीक है बात आई गई हो गई, लेकिन आई गई नहीं हुई थी। उन्होंने फेस वॉश तक मंगा लिया, वाइप्स तक मंगा लिए और बोला कि आप जाओ और फेस को वॉश करके आओ। तो मैंने भी भगवान जी का नाम लिया, मैंने पूरा मुंह धो दिया, पूरा मेकअप मैं उतार दिया, बस आई मेकअप छोड़ दिया, बाकी पूरा मेकअप मैंने उतार दिया, अपनी रियल जो स्किन थी वो उनके सामने कर दी। तो उन्होंने स्किन को देखकर जब टच वगैरह करा तो उन्होंने बोला कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखो, ग्रूमिंग से अब आपका ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेस पर नहीं दिख रहा है। तो टीचर्स ने भी कोऑर्डिनेट करा और फिर उन्होंने बोला कि हम ग्रूमिंग में जो आप फंसे हुए थे वो वाली बात खत्म। उन्होंने रजत जो सर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनको कॉल करके बोल दिया कि अब ठीक है, अब आप आगे का ऑफर लेटर वगैरह का देख लो। तो उन सर ने मुझे उसी वक्त ऑफर लेटर भेज दिया और बोला कि अब ये है। अमेजिंग, अमेजिंग। ये तुम्हारा ग्रूमिंग का अच्छा खिंच गया है इन द सेंस ऑफ अच्छा लंबा टाइम। सर 2 मंथ 2 months लग गए मुझे, पूरे 2 months। मैंने 3rd of August को इंटरव्यू दिया था और 4th October को क्लियर हुआ है। वंशिका बहुत सही ना, बहुत सही यार, मजा आ गया। और कहीं ना कहीं कांग्रेचुलेशंस यार, फाइनली वी मेड इट। होप सो दैट यू विल बी सून फ्लाइंग विद स्पाइसजेट, राइट? क्योंकि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 6 मंथ पहले, गार्गी वगैरह लोग वो फ्लाई करते हैं, उन लोग स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं। इसमें स्टेटस देखते रहता ना व्हाट्सएप में, सारे स्टूडेंट्स के नंबर सेव हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। आई टू सी दे आर फ्लाइंग, वो डालते रहते हैं, मजा आता रहता है मुझे देखने में। तो ये वंशिका, अगर ये तुम्हारे ग्रूमिंग का ये चक्कर नहीं होता ना थोड़ा सा ये, तो फिर तो यार हमारे साइड से बिल्कुल क्लियर था। इंटरव्यू तो मैं, उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, क्वेश्चन आंसर सब सही है आपके, सब कुछ सही है, बस मेरे को फेस के चक्कर में ही रोका था और कोई भी इशू नहीं था। इंटरव्यू तो मेरा उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन मैं गई थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सब कुछ आता था मुझे, सब आपसे मैंने सीखा हुआ था। तो कैसे रह जाऊं यार? देखो मैं बता रहा हूं, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को सिर्फ इंटरव्यू का। मैं डिफेंस के इंटरव्यू दिए हैं, है ना, और हर बार मैंने सरकारी एग्जाम निकाला, सरकारी एग्जाम निकालने के बाद में इंटरव्यू देने जा रहा था। इतनी बार मैंने इंटरव्यू दिया ना, बता रहा हूं मैं 19-20 बार इंटरव्यू दिया यार मैंने, और फाइनली आल्सो मैंने क्रैक भी किया है। चक्कर ये कि मैं सीखा ना उस दौरान, तो दैट थिंग्स पीपल, इट हेल्प्स अ लॉट पीपल कि भाई कैसे इंटरव्यू, मुझे पता नहीं कैसे, क्या, कहां पे क्या बोल के कैसे चकमा देना, कैसे घुमाना है यार। तो मैं तो ऐसा हूं कि क्या बताऊं यार, मैं तो एचआर किसी को भी घुमा दूं यार। दैट्स द रीजन तभी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो पा रहे हैं, कि हमारे स्टूडेंट्स उनको स्मार्टली डील कर पा रहे हैं। उनके पीछे एक ऐसे आदमी का एक्सपीरियंस है जो उनसे बेहतर है, तो वो डील कर पा रहे हैं, कोई भी उम्र क्यों ना हो उनकी। तभी तो स्टूडेंट 250 सेलेक्ट हो पा रहे हैं यार, वरना नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो मुझे मजा आ गया। डेफिनेटली वंशिका, कांग्रेचुलेशंस यार। वीडियो बड़ी लंबी बन गई है, राइट? आई गेस वीडियो की लेंथ हो 20 मिनट्स, राइट? 2 ही पार्ट रखते हैं, राइट? 30 मिनट हो गई है, लेट इट बी, राइट? तो कांग्रेचुलेशंस वंशिका अगेन फॉर गेटिंग सिलेक्शन। सो मच सर, थैंक यू। एंड सबसे बेहतर तो मुझे तब लगा तुमने रेफर किया अपनी कजन सिस्टर को। ये चीज है, तो देखो क्या तुम्हारी कजन सिस्टर विल गेट सिलेक्टेड यार, डोंट वरी। शी इज जो कहां पे वो काम कर रही है, दैट्स नॉट अ गुड प्लेस यार टू वर्क इन द सेंस यार। इस उम्र में तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, राइट? घूमना फिरना हुआ भी होना चाहिए, थोड़ा लाइफ मजे भी आने चाहिए। कहीं ना कहीं वो केज में फंस गई है, राइट? तो ये वंशिका सर, आप निकाल देना, आप मेरे को, मैंने बोला ना इफ यू गो फॉर द एटलीस्ट फॉर ग्राउंड स्टाफ ना, डोंट वेट 200। ओके ओके ओके, लास्ट कुछ चीजें बच गई। टेल मी 3 टिप्स व्हिच यू वांट टू शेयर टू स्टूडेंट्स। 3 टिप्स about the interview, how to crack the interview. Yeah, but to if someone want to crack the SpiceJet Airlines interview, then I will suggest you please give them 3 tips, yeah, from your side. The first tip is आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं ग्रूमिंग को स्पेशली। लाइक हेड से लेके वहाँ पे पूरे टो तक आपको देखेंगे कि कहीं पर भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, खासकर गर्ल्स को तो फुल मेकअप करना है। उसके बाद सेकंड टिप यही रहेगी, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे आंसर, सब कुछ समझ आ जाएगा कि आंसर आखिर देने कैसे हैं, और वही मेन चीज़ है। अगर वो कर ली तो वही सबसे बड़ी टिप है, क्वेश्चन आंसर आते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और थर्ड टिप यही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश ऑब्वियसली, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, जो कि मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड से एक लड़के को निकाल दिया था क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो इंग्लिश सीखो, बेसिक इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, तो आराम से क्रैक हो जाएगा आपका इंटरव्यू। दैट्स इट। सो वंशिका, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इट विल बी अपलोडेड टुमारो, सो यू कैन वॉच इट। थैंक यू सो मच। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट? एंड वी कैन मेक देम जेलस, राइट? मजा आ गया यार, फाइनली क्रैक्ड इट। वन मोर क्रू इन द लिस्ट, राइट? सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स रखते हैं, मजा आता है आप दैट दे क्रैक्ड इट। तो वो चीजें यार, मजा आ गया यार। ओके, तुम्हारी ट्रेनिंग आई गेस 31 अक्टूबर चालू हो रही है ना? सो आई बी शेयरिंग वन कैंडिडेट नंबर, आप उनसे बात कर लेना। कुछ जो छोटे मोटे डाउट है कि वहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि वही बता पाएगी कि कैंडिडेट में कैसे होता है, कैसे पास होना है, क्या होना है। वो बोलती फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, दिस दैट, तो उससे एक बार बात कर लेना, ताकि तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हें अगर पता होगा कि यार अगर ये चीजें टफ है तो तुम वहाँ पे ज्यादा फोकस करोगी, तुम्हारा वो एक बार में निकल जाएगा। क्योंकि उस कैंडिडेट को नहीं पता था कि क्या होता है आगे, अगर तुम्हें पता होगा कि भाई ब्रेकर है सामने, तो गाड़ी सर प्लीज आप भी नंबर शेयर कर देना, ताकि मैं आज बात कर सकूं। मैं ना कल भी इंस्टाग्राम पे से स्क्रॉल कर रही थी, एक लड़की मिली जो कि कैबिन क्रू ही है स्पाइसजेट में। मैं ट्राई कर रही थी कि मेरी उससे बात हो जाए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं थोड़ा स्पाइसजेट बताना। वो लोग क्या अच्छे से बताएंगे नहीं ना, वो लोग बताते नहीं, वो टाइम देते उनके पास। फर्स्ट सेकंड क्या, वो तुम्हें ऐसे अपनेपन की तरह डील नहीं करेंगे कि नहीं यार चलो उसको बता देते हैं, ये होगा, ये चलो एक्स्ट्रा बताते हैं, वो नहीं बताएंगे। वो तुम्हें वही स्टूडेंट बता पाएगा जो क्रैश कोर्स का स्टूडेंट होगा, अटैचमेंट रहती है उन लोगों की। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और ऐसा है कि यार बाकी लोग टाइम निकाल ना पाएंगे, ये लोग प्रॉपर टाइम निकाल के बताएंगे कि यार यहाँ पे ये करना, यहाँ पे ये करना, यहाँ पे करना। तो इससे क्या होगा, छोटी मोटी चीज़ों को क्या है ना, तुम अगर रास्ते में ढूंढोगे ना इंटरनेट में कि ये रिवर्ट कर देगी या ये ऐसा हो जाएगा, नहीं करते हम लोग रिवर्ट। रिवर्ट नहीं करते, तुम वेट करते रहोगे, झूठी उम्मीद लेके बैठे रहोगे कि अब ये होगा, वो बोलेगी, ये करेगी, और चैट में तुम कितना ही बता पाओगे, और कोई तुम्हें कॉल क्यों ही करे, नहीं करते हम लोग कॉल। तो ये चीज़ें हैं। तो स्पाइस जो स्टूडेंट है हमारी, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी, राइट। अब तो हमारे सारे जगह स्टूडेंट हो गए हैं, इंडिगो, एरेशिया, विस्तारा, स्पाइस, कतार, सारी जगह हो गए कहीं ना कहीं, गो फर्स्ट, ये चीज़ें हैं। तो हर जगह है यार, मज़ा आ गया। मुझे तो यही तो कैप्चर करना था यार, मुझे ऑल ओवर इंडिया। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल जाके भी लोगों के इंटरव्यूज क्रैक करवाएं। इतिहाद में बचा एक, इतिहाद में एक आध कोई हो गया ना, फिर मज़ा आ जाएगा। नई चीज़ें, इतिहाद है यार मेरे, इतिहाद। ओके वंशिका, कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड डू एंजॉय द एविएशन लाइफ गाइस, है ना। ओके वंशिका, बाय बाय।